जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट आई हुई हैं वो एक रियलिटी शो में काम करती है जिसका नाम है लिविंग विद द कबाचास। ये अभी रिलीज नहीं हुआ और मेरे अंदाजे के हिसाब से ये कभी होगा भी नहीं। ये सीधी सादी गर्ल नेक्स्ट टू माय डोर ने अपना करियर शुरू किया एक ऐसे ड्रामे से जिसने हम सबका दिल जीत लिया। उसका नाम था मेरा नसीब, क्योंकि मेरा और बाकी कई लड़कों का नसीब फूटा हुआ था। इन्होंने मशहूर अदाकार शहरोज सदवारी से शादी कर ली। अब इनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है आई लव यू बेबीलिशियस, जो नाम से मुझे कोई एडल्ट फिल्म लगती है। आइए जानते हैं और पहचानते हैं खुश शक्ल, खुश रूह, खुश मिजाज मिस शायरा शहरोज। अगर आप पिंप होती हैं इनके लिए तो शहरोज का सौदा कितने में करती हैं? सारे शहरोज ये बताएं, क्या शहरोज आपको टिंडर पे मिले थे? नहीं नहीं नहीं, उस जमाने में टिंडर था ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो उनसे कहें वो डिलीट कर दें अपना अकाउंट। ये बताएं कि आपको कब लगा कि आप शोबिज मटेरियल हैं? जब लड़के आपको लाइनें मारते थे और कहते थे ओह माय गॉड आर यू एन एक्ट्रेस। नंबर टू, जब अलिशबा इस फील्ड में आई और आपने कहा ये कर सकती है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। या फिर ऑप्शन थ्री, जब शहरोज और बेरोज ने आपको कहा कि इस काम में नोट बहुत है। नन नन सारा ये बताएं कि मैंने नोटिस किया है कि आप और शहरोज ज्यादा पार्टीज वार्टीज पे नहीं जाते, क्या इसकी ये वजह है कि आप लोगों की टुन बकवास सुन सुन के तंग आ गए हैं? फॉर एग्जाम्पल अमेजिंग, मेरा नसीब, मेरे नसीब में तू शहरोज। हाँ वो वाले जो लोग होते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं। अब हम चलते हैं अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। इसमें ये होगा कि जो मैं पहला लफ्ज बोलूंगा वो जो पहला लफ्ज आपके दिमाग में आपने सोचे समझे बगैर मेरे मुंह पे मारना है। सोचने का टाइम नहीं दूंगा मैं। हिलाल पार्क, रनिंग, अवार्ड फंक्शंस, मोस्ट वांटेड, मी, चले थे साथ साथ, चले थे साथ साथ, खारा दर, खारा दर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बुक्स पढ़नी है, गे लॉर्ड्स, गे बॉयज, अपेरेंटली वेरी फ्रेंडली, पैट पॉंग, नेवर बीन, किंग कॉन्ग, नाओमी वॉट्स, मोमल शेख, जावेद शेख, मोमर रान, जिम, विकी नाइट, शादी के दिन, पहला क्रश, मैनी, काफी थे, चिपकू, आई कैन थिंक ऑफ पलवशास डॉग, गॉसिप क्वीन या किंग, काफी हैं, बट आईफोन के सेक्स सेक्सोफोन, सेक्सोफोन, ब्रोस के टिक्का, टिक्का, सलवार कमीज की जीन की पैंट, मूड पे डिपेंड करता है, टी या कॉफी, टी, यार के प्यार, यारों से प्यार, ओ हो हो हो, शान के फवाद खान, बिग नेम्स, सैरिश खान के समी खान, सैरिश खान। आपका फेवरेट सिंगर कौन है, चार्ली पूतनीदा या एड चिरान? चार्ली पूतनीदा, स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम श्योर। सायरा, अगर 50 शेड्स ऑफ मिस्टर ग्रे पाकिस्तान में बनती तो मिस्टर ग्रे का कैरेक्टर कौन निभा सकता था? क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है सोचने में, मैं सवाल इजी कर देता हूँ। अगर 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपको ऑफर होती तो क्या आप एक्सेप्ट करती? नो। कौन सा कैरेक्टर, वो लड़की वाला या मिस्टर ग्रे वाला जो चपेटे कराता है? प्रोबेबली मिस्टर ग्रे। मिस्टर ग्रे। सारा शहरोज, अगर आप एक ब्रांड होती तो इनमें से कौन सा स्लोगन आपको सबसे अच्छा डिफाइन करता है या रखती हैं? सायरा, चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन, सायरा, कम खर्च बाला नशी, इजी मेंटेनेंस बर्गर, क्योंकि सायरा रिलायबल है, और या फिर एक्टिंग को सायरा से ज्यादा कोई ना जाने क्योंकि सायरा रिलायबल है, क्योंकि सायरा रिलायबल है, नंबर वन क्वालिटी फॉर्म। आपने वो फिल्म देखी है इनडिसेंट प्रपोजल डेमाय मोर की? मैं आपको उसका प्लॉट बताता हूँ। एक मिलियनेयर होता है जो एक गरीब आदमी को $1 million ऑफर करता है टू टेक हिज वाइफ फॉर वन नाइट।
डेमी मूर ने रोल निभाया कामयाबी से। इसको उलट कर दें, आपको अगर मैं $1 million दूं टू टेक शेरोज फॉर वन नाइट, तो आप मान जाएंगी? अगर शेरोज मानता है, इफ ही इज कंफर्टेबल विद इट, तो आपको कोई मतलब इशू नहीं इस बात पे। बड़ी खुले दिमाग की बीवी है यार आप। अगर आप एक दिन के लिए लेस्बियन होती तो आप किससे मेकआउट करना चाहती, सनम सईद, महविश हयात, माहिरा या असफर रहमान? इतना सोचना पड़ रहा है आपको, एक एक के बारे में सोच रही हैं? नहीं, मैं सोच रही हूँ असफर रहमान क्या कर रहा है इस लिस्ट में। बट ओके, लेस्बियन नहीं है वो। व्हाट? आपकी इनमें से फेवरेट फिल्म कौन सी रही पिछले साल? क्लिफ बैंगर, हॉट बबल गम, लॉन्ग रेंजर, द डिविंची लोड, या फिर दोबारा फिर से? आपने एक चीज कॉमन नोट की होगी इन पूरी फिल्म्स में कि सारी फैमिली मूवीज हैं। सब और भी बड़ी मेरी कलेक्शन है तो मैं आपको बता सकता हूँ, पॉन ऑन द 4th of July, अ फ्यू हार्ड मैन, फॉरेस्ट हम्प, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट, आई नो हु यू डिड लास्ट समर। और बताऊ? नहीं, सारा ये है हमारा सिंगिंग राउंड, क्योंकि मैंने सुना है आप गजब का गाती हैं और बजाती हैं, तो जो मैं जैसा गाऊं आपने कोशिश करके मुझ तक पहुंचना है। ठीक है, समझे? आप विकी नाइट पे बैठी हुई और आपकी वो 16 बहनें और सहेलियां साथ हैं। ठीक है, गो विकी गो, नहीं क्या होता है वो, विकी वाह, वो जो आंटियां करती है ना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दी, हवा 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 ए हवा खुशबू लुटा दी, लुटा दी, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दी, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, अब उसका पता दे क्या था, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार, मिला दे यार, मिला दे दिलदार, मिला दे यार, मिला दे। अब हम करेंगे दी एंड में द कोरियोग्राफी राउंड, क्योंकि मैं बाय बर्थ एक कोरियोग्राफर हूँ। रेडी हैं आप? जी, फॉलो करना है आपने मुझे। ओके okay. ठीक है, मेरी आंखों में देखिए। ओके, रेडी? दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर दिया, ओ मेरे सैया जी ने आए मुझसे ब्रेकअप कर दिया, ये देखें, मेरे सैया जी से आ मैं दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप, आपके साथ कर लेती हूँ। ओके, रेडी, 3 4, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, वो मेरी सैया जी से आ मैंने ब्रेकअप कर ली, एवरीवन। मैं हूँ सायरा शेरोज, और अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख़बरदार अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट्स किए।